नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुमन है बल्लभगढ़ से, उनसे बात करते हैं। स्वागत है सुमन जी। जी सुमन जी बताएं। नमस्कार जी सुमन जी बताइए, सवाल करें। जी आदाब सुमन जी, बताइए। मेरी ये दिक्कत ऐसी है कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है जी। आपकी उम्र कितनी है? और मेरे 60 साल। जी 60 साल। 60 साल है, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द। कब से है आपको ये दर्द? ये हो गया 8-10 साल हो गए जी। लेकिन मेरे अभी पिछले अगस्त में मेरे को टाइफाइड हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद से मेरे को खर्चा नहीं हुआ जाता, चला नहीं जाता। ठीक है, मतलब खड़ी तो हो जाती हूँ लेकिन चल नहीं पाती बिल्कुल। नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप चलने लगेंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक घरेलू नुस्खा है और वो नुस्खा ऐसा है कि एक गोंद आता है, बहुत तरह के गोंद आते हैं, आपने देखे होंगे, कीकर का गोंद जो औरतें लोग खाती हैं, डिलीवरी के बाद आपने देखा होगा गोंद के लड्डू खाए जाते हैं, गोंद मखाने, ये वो। तो गोंद बहुत तरह के होते हैं, कई सौ तरह के गोंद होते हैं। दुनिया में पेड़ जो हैं वो दो ही किस्म के होते हैं, गोंद वाले या दूध वाले। तो ये गोंद स्याह एक गोंद को कहते हैं, यानी काला गोंद, आसान जबान में हम लोग अपनी जबान में गोंद स्याह कहते हैं। ये स्याह गोंद ले लीजिए आप 100-200 ग्राम और इसको पाउडर बना लीजिए, फिर इसकी चने या मटर की बराबर गोलियां बना के रख लीजिए। ये 100-200 ग्राम आपकी पूरी बीमारी के लिए काफ़ी होगा। ये एक गोली सुबह नाश्ते के बाद, एक रात को खाने के बाद रोज़ाना खा लिया करिए। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है तो 3 बार भी खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, लेकिन खाने के बाद ही खाना है। बग़ैर चर्बी के दूध से खाएं आप, और देखिए इससे जो आपको नफ़ा पहुंचेगा, फ़ायदा पहुंचेगा, वो 6-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा। कभी ये नहीं समझे कि जैसे एलोपैथिक दवा खाई और 1 घंटे में फ़ायदा जी। लेकिन जो भी फ़ायदा पहुंचेगा आपको वो अंदर से ही फ़ायदा पहुंचेगा और वो आपका बीमारी चली जाएगी, उतनी बीमारी चली जाएगी जितना फ़ायदा होगा। ये दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज की दवा है। वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द है वो इसको मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करें, 3-4 महीने तो फ़ायदा होना मुमकिन है।